आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो ग्लैमर एक्स टेक के बारे में, जो कि कंपनी ने इस गाड़ी में कुछ नए चेंजेस किए हैं, जो कि आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको ग्लैमर में क्या क्या नए चेंजेस मिल जाते हैं। कंपनी ने इस बार बिल्कुल ही नया कलर ऑप्शन लॉन्च किया है, जो कि अभी आपको वीडियोस में दिख रहा है। ये है इस गाड़ी का कैंडी रेड कलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है। कंपनी ने पहले गाड़ी में दिए थे टोटल दो कलर ऑप्शन, पहला था मैट एक्सिस ग्रे, दूसरा था ग्लॉसी ब्लैक, जो कि काफ़ी अच्छे थे। लेकिन जो भाई ये कलर है रेड वाला, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। गाड़ी का जो टैंक है, उस पर जो टैंक काउल लगा है कंपनी ने, उस पर ग्लैमर का 3D ग्राफिक दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा आई कैची लग रहा है। गाड़ी के जो भाई साइड के पैनल्स हैं, वहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे, स्ट्राइप्स वगैरह, और वहाँ पर कंपनी ने i3s की बैजिंग दी है। गाड़ी का जो टैंक काउल है, आपको नीचे साइड भी ग्राफिक मिल जाएगा, जो कि आपको फ्लैग मिलने वाला है। गाड़ी का जो वाइजर है, फ्रंट की जो विंगशील है, वहाँ पर आपको हीरो का 3D लोगो मिलेगा, और जो साइड में है वहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे। गाड़ी के भाई जो पीछे की सीट काउल है, वहाँ पर आपको हीरो का ग्राफिक मिलेगा, जो कि नॉर्मल सा हीरो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। गाड़ी के जो मिड गार्ड है भाई, वहाँ पर आपको IBS की बैजिंग मिल जाती है, लेकिन इस भाई गाड़ी में अभी वो शायद चिपकाया नहीं गया है। और इसका भाई जो शॉकर है, वो भी आपको रेड कलर का मिल जाएगा, जो कि ये गाड़ी जो है इस कलर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। इस गाड़ी में कंपनी आपको जो है फुली LED का हेडलैम्प देती है, साथ में आपको मिल जाता है LED का DRL, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गाड़ी के जो टेल लैंप हैं, वो आपको मिल जाएंगे हेलोजन के। गाड़ी के जो इंडिकेटर्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे हेलोजन के। फ्रंट में आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक कफ वर्क, वहाँ पर आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्टर। रियर में आपको मिलेगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। इसका भाई जो इंजन है, वहाँ पर आपको कैटलेटिक कन्वर्टर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बड़े साइज का कंपनी प्रोवाइड करा रही है। इस गाड़ी में आपको 124.7 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन मिल जाता है, जो कि ये गाड़ी आपको 10.7 bhp का पावर देती है, और इसका जो टॉर्क है वो आपको 10.6 nm का मिल जाएगा। इसका जो इंजन है वो आपको किक प्लस सेल्फ स्टार्ट दोनों के साथ मिलेगा। गाड़ी की जो चेसी है वो आपको डायमंड फ्रेम के साथ मिलेगी। कंपनी इसमें आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स देती है, और इस गाड़ी में आपको टोटल मिलते हैं दो वेरिएंट। पहला आपको मिलता है सिंगल डिस्क, दूसरा आपको मिलता है नॉन डिस्क। फ्रंट में आपको 240 mm के डिस्क मिल जाएगी, रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाएगा IBS के साथ। इसमें अभी कंपनी आपको ABS नहीं देती है, लेकिन आपको बहुत ही जल्द कंपनी आपको ABS भी प्रोवाइड करा ही देगी। फ्रंट में आपको मिल जाते हैं 80 mm के टायर, रियर में आपको मिल जाते हैं 100 mm के टायर। इसके जो टायर्स हैं वो आपको मिलते हैं ट्यूबलेस 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ। इसमें आपको मिल जाता है i3s भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आता है ट्रैफिक वगैरह में। गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो आपको मिलता है 10 लीटर का। इसका जो भाई वजन है ड्रम वाला भाई, इसका मिल जाएगा आपको 122 kg का, और इसका भाई जो डिस्क वाला वेरियंट है वो आपको 123 kg का मिल जाएगा। ये हो गया इसका डायमेंशन और फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो फाइनली बात करते हैं गाड़ी के प्राइस के बारे में। तो भाई ये गाड़ी आपको 80,900 रुपये की एक्स शोरूम मिल जाएगी ड्रम वाले वेरिएंट के साथ। इसका भाई जो वेरिएंट है डिस्क वाला, वो आपको 84,500 रुपये का एक्स शोरूम मिल जाएगा। और भाई ये प्राइस प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जिले का है, जो कि भाई ये शोरूम भगवा की चुंगी पर है। तो भाई आप 84 शोरूम आप कॉल करके सारी इंक्वायरी कर सकते हो, और गाड़ी आप चाहो तो भाई परचेज भी कर लो, अगर आप आसपास के ज़िले से बिलोंग करते हो तो। तो भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।